हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? गाइस आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, क्या आपके पास रेडमी का नोट 10 डिवाइस है? जी गाइस, अगर आपके पास रेडमी का नोट 10 डिवाइस और आप लोगों का सवाल हो सकता है कि हमारे डिवाइस में हाइपर ओएस आएगा कि नहीं आएगा, जो कि सभी लोगों को पता है रेडमी की 10 सीरीज तक हाइपर ओएस सभी को मिलने वाला है, जैसे कि रेडमी नोट 10 प्रो, प्रो मैक्स एंड और भी सारे डिवाइस हैं, रेडमी नोट 10 टी 5G हो गया, उन सभी में हाइपर ओएस देखने के लिए मिलेगा। जो कि आप सभी लोगों को पता है इन्फॉर्मेशन आई थी कि एम आई का 15 किस में मिलेगा, बट 15 सस्पेंड हो चुका है, उन डिवाइस में हाइपर ओएस देखने के लिए मिलेगा। अब सभी लोगों का डाउट है, सवाल है कि हमारे डिवाइस में पहले से ही एंड्रॉयड 13 का अपडेट नहीं आया है, तो अब ये हाइपर ओएस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो गाइस, यहाँ पर आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उससे पहले मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपका कोई भी सवाल होता है या कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को नीचे आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहली बात बात करें, रेडमी नोट 10 डिवाइस आया था, वहाँ पर कहा गया था कि 2 साल के आपको एंड्रॉइड अपडेट मिलेंगे और 3 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट, एंड उन्होंने क्या किया, एक ही आपको एंड्रॉइड अपडेट प्रोवाइड किया कराया था एंड दूसरा एंड्रॉइड अपडेट नहीं मिला था। रीजन था, जो आपको प्रोसेसर यूज किया गया था आपके रेडमी के नोट 10 डिवाइस में, वो कैपेबल नहीं था, एंड्रॉइड 13 लाइक नहीं था, ओल्ड प्रोसेसर था काफ़ी ज़्यादा, इसीलिए एंड्रॉइड 13 आपको अपडेट नहीं मिला था। बट बात करें सिक्योरिटी पैच अपडेट की, तो वो आज भी सिक्योरिटी पैच अपडेट प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको कोई भी इशू नहीं आ रहा है। अब बात करें आपको हाइपर ओएस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एंड गाइस यहाँ पर जहाँ तक चांस हैं 99% चांसेस हैं कि आपको हाइपर ओएस नहीं देखने के लिए मिलेगा। रेडमी की 10 सीरीज में भले ही आता है, बट आपका जो मोबाइल है वो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया ऑलरेडी, तो आप प्लीज़ ज़्यादा कमेंट ना करें। एंड जैसी लिस्ट आएगी तो लिस्ट भी सभी को टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप टेलीग्राम से जुड़े रहें। अगर आपको हाइपर ओएस मिलेगा तो उसकी भी लिस्ट हम टेलीग्राम में प्रोवाइड करा देंगे और आप चेक कर पाओगे कि आपका डिवाइस है कि आया है कि नहीं आया है। आपको पता है इंडिया में हाइपर ओएस ऑलरेडी रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है सभी डिवाइस में, एंड पोको का F5 हो गया एंड शाओमी का 13 प्रो हो गया, रेडमी की जो 13 सीरीज आएगी उसमें भी बहुत ही जल्दी रेडी है ऑलरेडी। आपको पता है जो लाइव स्ट्रीमिंग की गई थी उसमें ऑलरेडी बता चुका, शाओमी बता चुका है कि इसके लिए अपडेट है, वो रेडी है हाइपर ओएस एंड, तो उसमें भी देखने के लिए मिलेगा। और जितने ओल्ड डिवाइस हैं एंड स्टेप बाय स्टेप सभी में मिलता जाएगा, तो आप प्लीज़ वेट करो अपनी बारी का। एंड तब तक के लिए क्या होगा कि जो लिस्ट है पूरा प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिन जो ओल्ड डिवाइस हैं उनका नाम है कि नहीं है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपका रेडमी की 10 सीरीज तो आएगी, बट रेडमी का नोट 10 जो बेस मोबाइल है वो नहीं आएगा। एंड हालांकि देना चाहिए था, बट क्या करें, ब्लैक लिस्ट में आपका डिवाइस ऑलरेडी डल चुका है। तो अब आप जब तक देखते हैं, मिलते हैं, सिक्योरिटी पैच अपडेट का मजा लीजिए एंड आपका 4G डिवाइस है, कोई आपको टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है, एंड 5G पे स्विच हो जाना जल्दी से, और क्या कह सकता हूँ मैं। एंड इतना ही है, जब तक आप यूज़ कर सकते हो चलाइए 4G, जब तक स्पीड अच्छी आ रही है एंड जब तक 5G स्टेबल होगा। आप चाहो तो एक 5G बेस्ट मोबाइल ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है जियो 5G फ्री मिल रहा है, एंड आप चाहो तो 5G मोबाइल देख सकते हो कोई सस्ता सा, बट सिक्योरिटी पैच अपडेट है तब तक आप यूज कर सकते हो फुल्ली, एंड हो सकता है आपको 1 साल तक अभी भी सिक्योरिटी पैच अपडेट है वो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। बट जो चेंजेस हैं, आपको पता है हाइपर ओएस एकदम क्लीन ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है, क्लीन UI आ रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा फीचर मिलने वाले नए तरह से, एंड वो चीज़ें आपको हो सकता है ना मिले क्योंकि आपके डिवाइस में हाइपर ओएस नहीं आ रहा है। इसी वजह से ये मैंने वीडियो बनाया, जो कि आप सभी लोग कमेंट कर रहे थे कि रेडमी नोट 10 के ऊपर कब वीडियो आएगा, रेडमी नोट 10 में हमें अभी भी अपडेट मिलेगी कि नहीं मिलेंगी। तो एंड्रॉइड अपडेट तो ऑलरेडी आपको पता है, पहले ही ऑलरेडी बंद हो चुके हैं, एंड ये अब जो MIUI अपडेट आते थे MIUI 15 सस्पेंड होने के बाद हाइपर ओएस आने लगे, अब आपको हाइपर ओएस भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आई हो सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड एक चीज़ बताना चाहूँगा, लास्ट में जाते जाते मैंने कहा 99% आपको नहीं मिलेगा, 1% चांसेस हैं, हो सकता है आपका लिस्ट में नाम आएगा तो आपको लिस्ट प्रोवाइड करा दी जाएगी और वीडियो में इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखो एंड वेट करो हमारे वीडियो का। एंड अगर आपका बाई चांस नाम डाल दिया जाता है हाइपर ओएस के लिए, तो बहुत ही अच्छी बात होगी, काफ़ी सारे नए फीचर मिल जाएंगे, एक तरह से आपका डिवाइस लेटेस्ट ट्रिप पर आ जाएगा, एंड्रॉइड अपडेट नहीं आएगा बट हाइपर ओएस आपको देखने के लिए मिलेगा, तो हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच आज की वीडियो में, बस इतना ही।